नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं इस वीडियो में वॉल्यूम ब्रेकआउट का कंसेप्ट क्या है, उसका एडवांटेज क्या है और कैसे वॉल्यूम ब्रेकआउट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं उसके ऊपर बेस करके वीडियो को बना रहा हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। तो एज ए एग्जाम्पल मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट को खोला हूं, ये फ्यूचर का चार्ट है। अभी अभी सॉफ्टवेयर से फ्यूचर में, इक्विटी में, ऑप्शन में कहीं पर भी पैसा बना सकते हैं। मेन जो चीज है मार्केट का ट्रेंड को समझना है, मार्केट का प्रेडिक्शन को समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज को मैं 28 तारीख का चार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। यहां पर सबसे पहले मैं बता देना था तो कौन सा इंडिकेटर क्या काम कर रहा है। देखिए ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सिग्नल होता है। तो ये पिछले दिन का कॉल है, आज को मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है फ्रेशली। अभी यहाँ पर नीचे का जो पट्टी है जिसका कलर रेड है, रेड मतलब यहाँ पर सेलर स्ट्रांग हो रहा है। जैसे यहाँ पर अभी आपको एक सेलिंग का कॉल दिख रहा है, अभी यहां पर मैं थोड़ा सा रोकूंगा इस जगह पे। देखिए ये एक सेल का कॉल है बट एक कैंडल का कलर व्हाइट है। व्हाइट कैंडल मतलब है ये एक साइडवेज कैंडल या फिर एक कंसोलिडेशन फेज है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज अ कंसोलिडेशन फेज। ग्रीन का मतलब ही है ये अप ट्रेंड है होता है, मतलब नीचे का पट्टी अगर ग्रीन है तो बाइंग ट्रेंड है, कैंडल का कलर ग्रीन है तो बाइंग ट्रेंड है। और ये जो नीचे में आपको इंडिकेटर वॉल्यूम का दिख रहा है ये आपको बताएगा जो आपका वॉल्यूम कब कितना स्ट्रांग हो रहा है और आपको ब्रेकआउट कब मिल रहा है। देखिए ये जो येलो कलर का डॉट 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 लाइन दिखाई दे रहा है ऊपर में लिखा है, ये एवरेज वॉल्यूम है। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का एवरेज वॉल्यूम है। और ये जो कैंडल है यहां पर देखिए एवरेज से काफी ऊपर मूवमेंट किया, ऊपर में देखिए वॉल्यूम आपका लिखा लिख के आ रहा है 271,000 का आसपास है वॉल्यूम। तो दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम ब्रेकआउट, जहां पर काफी दिन से आपको एवरेज का नीचे वॉल्यूम चलते हुए दिख रहा था। आज को इस कैंडल पे जो कैंडल बना ये येलो डॉटेड लाइन को तोड़ के काफी लंबा बना, तो इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। तो इस चीज को अगर आपको दिखाई दिया, वॉल्यूम ब्रेकआउट जिस कैंडल पे होता है वो कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका और बेनिफिट आपको दिखाते हैं। जैसे ये कैंडल खत्म होने का बाद ही आपको नेक्स्ट कैंडल पे बाय का कॉल मिल गया। अगर सॉफ्टवेयर का कंडीशन का हिसाब से बाय का कॉल देखा जाए, नीचे का पट्टी ग्रीन हो चुका है, वॉल्यूम मेरा बाइंग के लिए ही है और ये जो कैंडल का कलर है ये इंपॉर्टेंट है। और जिस कैंडल पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है उस कैंडल का हाई को तोड़ने का बाद ही कॉल कंफर्म होगा। तो यहां पर जिस कैंडल पे वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है उसका नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग का कॉल दिख गया तो ये कॉल काफी अच्छा माना जाएगा। एक चीज याद रखिएगा, वॉल्यूम ब्रेकआउट जिस कैंडल पे होता है अगर उसका बाद उसी कैंडल का अगर हाई को तोड़ दे, यहां पर तो सॉफ्टवेयर ने सिग्नल भी दे दिया था, तो इस तरीका का जो सिग्नल होता है ये काफी अच्छा होता है और यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम आपको दिखता है। तो देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर का तरफ मूवमेंट कर रहा है। अभी देखिए वॉल्यूम चाहे उतना भी स्ट्रांग ना हो बट धीरे धीरे मार्केट यहां पर मोमेंटम करेगा सिर्फ कैंडल का कलर को फॉलो करते हुए। चलिए जब तक कैंडल का कलर आपका ग्रीन है आपका पोजीशन सिक्योर है। इस सॉफ्टवेयर में मेन जो कंसेप्ट है ये जो कैंडल का कलर है, जब तक ये ग्रीन कैंडल चल रहा है इसका मतलब है बाइंग ट्रेंड है। जैसे कैंडल का कलर चेंज होगा, तो रुकिए मैं यहां पर दिखाऊंगा कैंडल का कलर कहां पर चेंज हो रहा है। अभी भी देखिए कैंडल का कलर ग्रीन है। जब ये कैंडल का कलर व्हाइट होगा, जैसे यहां पर इस सिचुएशन में देखिए यहां पर कैंडल का कलर व्हाइट बन चुका, तो व्हाइट बनने का मतलब यह है यहां पर आपका पोजीशन फंसने वाला है। तो अगर मैं फ्यूचर ट्रेड कर रहा हूं तो यहां पर मैं ऑलरेडी एक अच्छा खासा बेनिफिट बना लिया। हिंदुस्तान यूनिलीवर जो जिसका लॉट साइज होता है नियर अबाउट 300, तो अगर आप फ्यूचर में काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसी टाइम इसका ऑप्शन में भी ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए ऑप्शन में यहां पर कॉल मुझे मिला था, लगभग इस टाइम मार्केट का वैल्यू था 14 रुपया का आसपास, 14 रुपया से लेके ये लगभग 30 रुपीज का आसपास, मतलब 15 से 16 पॉइंट का मूवमेंट किया। और ये 15 से 16 पॉइंट में अगर आप 300 का हिसाब से भी करते हैं तो यहाँ पर 4 से 4,500 रुपया का ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिए। तो बोलने का मतलब है पैसा बनाने का पहले आपको प्रेडिक्शन सीखना है, कहाँ पर प्रेडिक्ट मार्केट कर रहा है, कौन सा कॉल को पकड़ना है, कौन सा कॉल को पकड़ना नहीं है। तो हम लोग के पास बहुत तरीके का स्ट्रैटेजी है, उसमें से ये जो वॉल्यूम ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी आपको दिखाया आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी इफेक्टिव है। जिस कैंडल पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है, सपोज इस कैंडल पे वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो इसका हाई तोड़ने का बाद ही ये ट्रेंड आपको मिलेगा। बहुत टाइम ऐसा भी देखा जाता है जो उस कैंडल का हाई को नहीं तोड़ के उस कैंडल का लो को तोड़ देता है तो वो डाउन साइड में भी मूवमेंट हो सकता है।
बट यहां पर अप ट्रेंड ही मूवमेंट किया और नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग का कॉल भी मिल गया, जिसका बेनिफिट आपको यहां पर दिखा। तो छोटा छोटा वीडियो में मैं जस्ट इतना समझाना चाहता हूँ क्लाइंट को, जो मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है या जो मुझसे जुड़ना चाहता है, तो ये इंडिकेटर प्रैक्टिकली कैसा काम करता है और इसका हर एक पॉइंट का एडवांटेज क्या है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी, ये कंसेप्ट कैसा लगा जरूर कमेंट के बोलिएगा। अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब बनाना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, गुड बाय।